जैसा है कि शिव शरीर में तो दिखाई नहीं देते, ध्यान की बात करते हैं तो वो जगत्ता पुरुष शिव शरीर में है, तो आपको हमको वो दिखा देंगे कैसे? वो तो एक सेकंड के लिए रुकता है। साहब रामानंद जी ने कहा कि आपके मन में जैसे ही सोचा शिव मेरे गुरु ने उनका शिष्य है, मन ने सोचा है और दीक्षा आपकी प्रारंभ हो गए। इसके लिए आपको कुछ चढ़ावा लेके जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रसाद और फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपना मन ही समर्पित करने की जरूरत है। आपके मन में जैसे ही ये विचार आता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए, वैसे ही शिव की शिष्यता की शुरुआत हो जाती है। आपका मन ही तो किसी से भी जुड़ता है, जगत गुरु शिव की बात तो बाद में है, शरीर में भी किसी के साथ रहते हुए भी अगर मन नहीं जुड़ता है तो क्या होता है? मन नहीं जुड़ा तो भाई भाई से अलग हो जाता है, मन नहीं जुड़ा तो पति पत्नी में तलाक हो जाते हैं, मन नहीं जुड़ा तो आज कल में कभी कभी खबर पढ़ने में आती है कि बेटे ने टांगे उठाई और माँ का आपका ना चीर दिया, मतलब वो भाव इतना ज्यादा अलग हो चुका है कि उसको जरा भी भान नहीं रहा कि मेरी माँ है। जिस स्तर पे इस दुनिया में हम लोग जा चुके हैं, लेकिन उस मन को थोड़ा शिव की तरफ उन्मुख करिएगा तो कम से कम इस दुनिया में सुंदरता तो आएगी, शांति तो आएगी, हमारा समाज, हमारा परिवार, हम खुद शिव के अपने बन के एक सुंदर समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ शिव विराजते हैं और शिव जहाँ विराजते हैं वहाँ भाव कैसा होता है। अभी तो हम लोगों ने बात की कि कैसा होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, सब सब भाव में रखते हैं। तो दीक्षा यानी शुरुआत, इन्हीं से ये संसार प्रारंभ होगा, यानी जैसे ही आपने सोचा कि शिव मेरे हैं आपकी दीक्षा प्रारंभ हो गई, आपको कोई तर्क कार्य करने की जरूरत नहीं है। भाई ने लिखा है दावाग्य है कि शिव को तो अवधारणी कहा जाता है, क्या इनको गुरु मानना जरूरी है? हाँ, शिव को अवधारणी कहा जाता है, अवधारणी के रूप में वो आपके सारे मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, आपने मांगा है मन से तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन गुरु के रूप में वो विवेक पूर्ण दान करते हैं। गुरु ये देखते हैं कि आपका इसमें भला है या नहीं है, अगर वो देखते हैं कि नहीं है तो वो आपको कभी वो चीज नहीं देंगे। जैसे आप स्कूल में देखते होंगे कि अगर मास्टर के अनुसार विद्यार्थी पढ़ता है तब तक तो ठीक है, लेकिन विद्यार्थी के अनुसार अगर मास्टर पढ़ने लगता है तो क्या होता है, स्कूल का घंटी बजा देता है जाकर ताकि स्कूल से छुट्टी हो जाए, या कक्षा के समय बाहर जाके खेलने लगता है, यही होता है। तो गुरु जो है वो ऑर्डर आने के रूप में सब कुछ दे सकते हैं आपको, सही बात है, लेकिन वो ये विचार नहीं करेंगे कि इससे आपका क्या होगा, ये आप जानते हैं, आपने मांगा है उन्होंने दे दिया। हमारी कहानियां और कथाएं जो है इससे भरी पड़ी है, यहाँ तक कि ऐसा कर करके वो ऑर्डर आने के रूप में काफी बार फंस चुके हैं महादेव। आपने सुना होगा कहानी भस्मासुर का, सुना है आपने भस्मासुर की कहानी? सुनी है कभी? वो शिव का ही भक्त था, शिव की ही आराधना कर रहा था और शिव की ही तपस्या करते करते उसने वरदान मांगा। अब बताइए कि महादेव को उस समय मालूम था कि नहीं कि क्या करेगा? मालूम तो होगा उनको, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं मालूम होगा, क्योंकि शास्त्र में ये कहते हैं कि 10,000 वर्ष बाद जीवात्मा क्या सोचेगी, आज उसे शिव को मालूम है, उन्होंने ही बनाया है ना, उनको कैसे नहीं मालूम, उनको मालूम था कि नहीं। लेकिन अब भक्ति में बैठा है कोई, उनको मालूम है कि मेरे हिसाब से क्या करने वाला है, लेकिन महादेव महादेव है, उन्होंने कहा तथा भस्मासुर ने मांगा वरदान कि मैं जिस भी चीज पे हाथ रखूं वो अग्नि से जल जाए, यही मांगा था ना कि वो जल जाए, भस्म हो जाए, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया भस्मासुर। महादेव ने कहा तथास्तु, और धरानी है ना, भोला है, महादेव ने कहा तथास्तु और उसको ये वरदान मिल गए। अब भस्मासुर
कि महादेव पता नहीं कि काम करेगा कि नहीं कर पा, सामने तो आप है, तो क्यों नहीं सबसे पहले आप ही पे ट्राई करते हैं, आप ही पे पहले कोशिश कर देते हैं कि खत्म होते हैं कि नहीं आप। तो उसने सबसे पहले महादेव का पीछा करना शुरू कर दिया। देखिए महादेव ने भी अपना सर फिर लिया होगा कि किसको क्या दे दिया है। तो औरत आदि के रूप में वो कुछ दे सकते हैं, अपने भक्त के रूप में हम लोग उनसे मनोकामना पूर्ति करते भी हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज हमारे लिए विध्वंसकारी हो जाए तो फिर उस चीज का क्या फायदा आपको होगा। चीजें हैं चलाने का ज्ञान नहीं है, गाड़ी है चलाने नहीं आता है। अभी मान लीजिए कि ये जो मशीन आपके ऊपर जा रही है इसको चलाने का ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, कितने लोगों का हाथ कट जाएगा, नहीं हो जाएगा। हर चीज के लिए ज्ञान की जरूरत है। सामान तो आप ले सकते हैं, पैसा तो आप ले सकते हैं। साहब ने हमेशा ये कहा कि शक्ति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वो शक्ति विध्वंसकारी तब हो जाती है जब शक्ति को संचालित करने का ज्ञान आपको नहीं होता। उन्होंने कहा कि रावण ने त्रिलोकी की शक्ति मांगी थी शिव से, रावण भी बहुत बड़ा भक्त था शिव का, त्रिलोक की शक्ति मांगी महादेव ने दे दी, लेकिन उसने उस शक्ति को संचालित करने का चलाने का ज्ञान नहीं मांगा। तो क्या हुआ, सारी लंका जलते फूट हो गई, सारा साम्राज्य खत्म हो गया, यहाँ तक कि वो खुद भी खत्म हो गया। मान सकते हैं आप, लेकिन अगर उसको भारित करने की योग्यता नहीं हो तो आपके लिए विध्वंसकारी है। लेकिन गुरु क्या करते हैं, गुरु पात्र बनाते हैं, गुरु आपको योग्य बनाते हैं ताकि आप ग्रहण कर सकिए, आप उनकी दया को ग्रहण कर सकिए। और तब आपको शक्ति कोई मिलती ही है तो आध्यात्मिक शक्ति आपका उन्नयन करती है, आपका परिमार्जन करती है। साहब रंगनंदन जी ने अपने एक किताब आवचरित योगियों में लिखा है कि मनुष्य की जो शारीरिक शक्ति होती है, शरीर की शक्ति जो होती है, उससे भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, मन की शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी ज्यादा बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। और उन्होंने लिखा है कि आध्यात्मिक शक्ति भी मानसिक और शारीरिक शक्ति का निरूपण करती है। मतलब अगर आध्यात्मिक जगत में आपका जुड़ाव है, शिव से आपका जुड़ाव है, तो वो जुड़ाव आपके मन और आपके शरीर दोनों को नियंत्रित कर लेता है। फिर आपका मन इधर उधर भटकता नहीं है, फिर आपका शरीर बीमार भी पड़ता है ना तो इतनी तेजी से ठीक होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। देखिएगा कभी कभी कि हम बीमार हो जाते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति अगर उस समय आ जाए जिसको हम पसंद नहीं करते, हम उसको अच्छा नहीं मानते, उसके आने से हमको अच्छा नहीं लगता, वो आ गया है, तो जो थोड़े से बीमार थे और ज्यादा बीमार हो जाते हैं उस समय और कराने लगते हैं ताकि उठने से बात नहीं करना पड़ रहा है हमको, भैया हम तो बहुत बीमार थे ना। तो वो बेचारा कहता है कि नहीं मेरी बहन आप सोए नहीं है, उठिए भी मत, पानी भी मत दीजिए, मैं ही चला जाता। लेकिन कभी कभी आप गंभीर बीमार रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, कोई ऐसा आ जाता है जिसको देखते ही आप खुशी से भर जाते हैं, अपना कोई है, मेरा है, उससे मेरा मन जुड़ा है, उसको देखते ही वो बार बार कह रहा है कि मैं आपको देखने आया हूँ, आप लेके रहिए। लेकिन आप कहते हैं कि कैसे होगा भैया, पानी तो पीना पड़ेगा, चाय तो पीनी पड़ेगी आपको, आप तुरंत खड़े होंगे उस बीमारी की अवस्था से भी उसके लिए चीजें बनाने लगते हैं। देखिए शरीर तो बीमार था उसमें भी और इसमें भी दोनों परिस्थिति में, लेकिन पात्र बदल गया सामने का तो आपकी शारीरिक शक्ति उसी के अनुसार काम करने लगी। इस पंक्ति को समझाने के लिए एक बार साहब ने उदाहरण दिया था कि एक गांव में एक बार आग लग गई, कोई कोई मौसम होता है ना, एक घर में आग लग गई तो फिर दूसरे घर में भी लग जाएगा, तीसरे में भी लग जाएगा, बढ़ती चली जाती है। तो एक गांव में आग लग गई और उस गांव में एक घर ऐसा था जिसमें एक व्यक्ति को लकवा ग्रस्त था, वो लकवा मारा हुआ था और कितने सालों से वो बिस्तर पकड़े हुए था, खाट पे था। अब हुआ यह कि
कि आग फैलने शुरू हो गए, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि आग लग गई, आग लग गई। सब घर से बाहर भागने लगे और प्राण का भय हुआ तो उसके घर के लोग भी बाहर भाग गए। अब बाहर भाग गया कि बेचारा देखा कि हम तो खाक में हैं। अब उस समय उसने अपने मानसिक शक्ति उसकी इतनी तीव्र हो गई जीवन को बचाने के लिए कि कुछ देर में लोगों ने देखा कि जो वर्षों से खाट पे पड़ा था वो सबसे आगे दौड़ते जा रहा था। प्राण का भय, उसने उसकी मानसिक शक्ति को मजबूत कर दिया। ऐसे कितने उदाहरण हैं, कभी दुर्घटना हो गई है किसी की सड़क पे, पूरा सर फट गया है और उसी अवस्था से मोटरसाइकिल पे बैठ के वो हॉस्पिटल तक आ जाता है, उसके बाद बेहोश हो जाता है क्योंकि अब आ गया ना, अब समझ गया कि यहाँ इलाज हो जाएगा। लेकिन रास्ते में उसकी मानसिक शक्ति ने कैसे काम किया, कहीं ना कहीं अध्यात्म से उसका जुड़ाव है जो उसको ताकत देता है, बल देता है। तो हम जगत गुरु शिव को अपना गुरु प्रदान कर इस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं कि जीवन को कैसे चलाया जाता है, जीवन को कैसे दिया जाता है। क्योंकि अगर जीवन में खुशी सामान से मिलती तो हर पहल में रहने वाला खुश होता, सुखी होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। महलों में रहने वाले भी बहुत तन्हा और अकेले होते हैं, लेकिन झोपड़ी में रहने वाला भी अगर मगन है, उसका मन शिव से जुड़ा है, तो वो अपने मगन मन से आराम से रहता है, आराम से सोता है, उसको कोई चिंता नहीं। अच्छा, कुछ समय पहले कोरोना काल गुजरा, लोग अपने घर में बंद हो गए कि नहीं, सब अपने अपने घर में बंद हो गए, प्राण का भय ऐसा हुआ। यहाँ तक कि घर में अगर सिर्फ चावल था तो सिर्फ वो भात बना बना के ही खा के रह गया, किसी आलू खरीदने भी बाजार में नहीं गया, प्राण का भय था। कम सामान में, कम भोजन में, उसी में सबको मिल के खा भी लिए, चार कपड़े में भी पूरा साल गुजार दिए और जो सामान घर में है उसी में जी लिए। लेकिन तब भी हम लोग उस समय इतने ज्यादा खुश रहे, इतने ज्यादा खुश रहे क्योंकि हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं। बस उस समय सारी चीजें जो होती हैं जिसका आकर्षण होता है हमको, मन से वो तिरोहित हो गया, मन से हट गया, किसी चीज का आकर्षण नहीं है, कोई चीज नहीं चाहिए, बस हम सुरक्षित रहे, यही हुआ था। लेकिन जैसे ही गुजरा फिर से हम पाई हो गए, फिर हम भूल गए। उस समय सबसे ज्यादा महादेव याद आए थे क्योंकि उस समय लगा था कि अब रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो महादेव ही कर सकते हैं। तो महादेव को ऐसे याद करिए कि दुख में सुमिरन सब करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को कोई। सुख में भी अगर वो शिव याद आते हैं उनसे ज्यादा कोई याद नहीं आता तो दुख आपके पास आएगा ही क्यों, क्योंकि जिस मन में शिव रहते हैं वहां तो दुख में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ऐसा एक अंतिम जिज्ञासा है आशा गुरुबान है नाभा की, इनका कहना है कि मेरे घर पर रविवार को साप्ताहिक चर्चा होती है, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग कहते हैं कि इसको दूसरे गुरु भाई गुरुबान के यहाँ भी रविवार को ही कीजिए, इसमें दीदी क्या उचित होगा, कृपया सलाह दीजिए। इसमें जिज्ञासा जैसा क्या है, जैसे आपको सुविधा हो वैसा कर लीजिए। इनके यहाँ होती है रविवार को साप्ताहिक चर्चा होती आ रही है, तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं इसको आप मेरे यहाँ भी घुमाइए, मोहल्ला में घुमाइए। देखिए अगर कोई एक चर्चा स्थल पे 50 आदमी लगभग हो गए हैं तो आप उससे ज्यादा आदमी होने पर दो जगह उसको कर सकते हैं, उसको दो जगह कर लीजिए। आखिर एक समय ऐसा भी था जहाँ कोई यहाँ को नहीं रहा होगा सबसे, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़े। जब लोग बढ़ते हैं तो व्यवस्था बढ़ती है, जब लोग बढ़ेंगे तो चर्चा केंद्र बढ़ेंगे, और ये तो बहुत खुशी की बात है। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि जहाँ हम लोगों ने शुरू किया है वहीं पे हमेशा वहीं होता रहे, ये तो और अच्छी बात है कि दूसरे जगह पे भी हो। अगर कोई कहता है कि मेरे यहाँ कर दीजिए तो आप कर दीजिए, अपनी सुविधा देख लीजिए, इसको जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। महादेव की दुनिया है, इसमें कोई किसी पर बंधन नहीं है कि आपको यही करना होगा, कोई अनिवार्यता नहीं कि आपको यही करना होगा। देखिए जंजीर जो होती है ना, चाहे वो सोने की हो या लोहे की हो, जंजीर जंजीर ही होती है, मतलब वो आपको
बंधन मुक्त नहीं करता। सोना भी इकट्ठा कीजिएगा तो बंधन ही है, लोहा भी इकट्ठा कीजिएगा तो बंधन ही है। तो महादेव की जो शिष्यता है उसको बढ़ाइए जरूर, लेकिन उसको किसी बंधन से मत बांधने लगिएगा। लोगों को स्वतंत्र कीजिए। हम लोगों को इतना ही कहा गया कि आप महादेव से लोगों को जोड़िए और आगे बढ़िए, खुद से मत जोड़ लीजिए, अपने अनुसार मत चलाने लगिए, क्योंकि उसके गुरु भी शिव है। शिव देखेंगे कि वो अपने शिष्य के साथ क्या करेंगे। एक दिन साहब महिंदानंद जी को उन्होंने रास्ता दिखाया था, दीदी लीला बालन जी को उन्होंने रास्ता दिखाया था, तो आपको हमको भी दिखाएंगे। बस इतना ही कहना है कि आज ये कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित हुआ, आने वाले समय में ये बहुत विस्तार में हम लोग की शुभकामना है। पटियाला ही नहीं, आपका आसपास का सारा इलाका शिवमय हो, क्योंकि शिव से ज्यादा सुंदर अच्छा गुरु कोई भी नहीं है। हम गुरु अगर शिव को मनाते हैं बनाते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम दूसरे पहले से किसी को गुरु हमने बनाया तो उसको छोड़ देना है। पहले से तो माँ का अपना स्थान होता है, पिता का अपना स्थान है, पहले से जो गुरु है उनका भी अपना स्थान है। किसी के आने से किसी की जगह नहीं छीनी जाती, लेकिन अपने जीवन में हम नए नए रिश्तों को शामिल करते हैं और इससे हमारा जीवन पूर्ण होता है। हम अपने जीवन में महादेव को शामिल करें, अपने जीवन में महादेव को उतारें, क्योंकि आज तक हम लोगों ने इतना ही किया था कि महादेव की स्थापना शिवलिंग में की, मंदिर में की, अपने घर के पूजा घर में की और वहां गए पूजा किया और चले आए। लेकिन महादेव से हमने हमेशा कहा कि महादेव मेरा जब समय होगा आने का मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप जो है यही करिएगा। साहब ने इसका उल्टा कहा, उन्होंने कहा उस शिव को अपने घर का मुखिया बनाओ, वो तुम्हारे घर का मालिक है, वो नियंत्रित करता है। और शिव से नियंत्रित परिवार अगर कोई भी होगा बहुत ही सुंदर और सुखमय होगा। तो अपने घर में उनको शामिल करिए, ये नहीं कि एक कोना दे दिया है बस। जैसे माता पिता वृद्ध होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके बच्चे एक खाट पे देते हैं कि पिताजी यही रहिएगा आप। हाँ, जो पिताजी पहले घर चलाते थे, जो पिताजी से आप उसके हर काम करते थे, लेकिन आज आप कहते हैं कि पिताजी आप चल नहीं पाते, आप एक कोने में बैठे रहिए, अब मैं निर्णय करूंगा। उसके जीवित रहते हैं वो पिता, जीवित है, सामने है उसके, रहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं निर्णय करूंगा, अब मैं मालिक हूँ, क्योंकि मैं कमाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ। साहब ने इतना ही कहा कि उस महादेव की स्थिति में हम लोगों ने कुछ ऐसी कर दी है, ऐसा मत करिए। पिता पिता है आज भी, वो शिव शिव है आज भी, इसलिए उस शिव को अपना बनाइए, उस रास्ते पे खुद भी चलिए, दूसरे को भी चलाइए, सबके जीवन में अच्छा से अच्छा दीजिए। आप शिव की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, शिव की पूजा करते हैं तो जल जल चढ़ाना करते हैं, तो सबसे साफ जल कौन सा है वो पूछते हैं, पूछते हैं कि नहीं, नहा धो के जाए, स्वच्छ होके जाए, ऐसा सोचते हैं। या सबसे शुद्ध समय क्या है, तो सुबह की मिला होगी उसी समय चलते हैं। फूल चुनने जाते हैं चढ़ाने के लिए, तो सबसे सुंदर फूल कौन सा है वो खोजते हैं, बगीचे में सबसे सुंदर फूल कौन है, हम महादेव को यही चढ़ाएंगे, कहते हैं ना। लेकिन अपने जीवन का सबसे सुंदर से सुंदर पल उस शिव को अर्पित नहीं करते, तो क्यों नहीं हम अपने जीवन के सबसे सुंदर पलों को उस शिव को अर्पित करें, ताकि वो हमेशा सुवासित रहे, खिला रहे। शिव की सुंदरता कभी मुरझाती नहीं है, शिव की शिष्यता खुद भी सुवासित होती है, खुद भी सुगंधित होती है और अपने आसपास के माहौल को भी सुगंधित करती है। शिव के शिष्य करुणामय होते हैं, सहानुभूति होती है उनके मन में, ममता होती है और शिव का गुण उनके ऊपर उतरता है, तो समाज देखता है कि शिव को गुरु बनाने वाले लोग, शिव के शिष्य बनने वाले लोग कैसे होते हैं, क्योंकि आपको देखकर कोई शिव को गुरु बनाएगा, क्योंकि हमको देखकर, मेरे मन वचन कर्म को देखकर कोई शिव की तरफ चलेगा। कोशिश करिएगा कि आपसे कोई भूल इस रास्ते में नहीं हो जाए, क्योंकि जीवन में और जगह व्यापार चल सकते हैं, लेकिन शिव की शिष्यता में ईमानदारी चलती है।
गुरु का रास्ता ईमानदारी का रास्ता है, प्रेम और समर्पण का रास्ता है, समर्पित होने की विधा है। सर चटा के भी, सर चढ़ा के भी अगर गुरु मिलते हैं तो ये व्यापार सस्ता होता है। तो सर चटाने की बात तो नहीं कही जा रही, लेकिन सर चटाने का अर्थ होता है कि आपके मन में जो अभिमान, जो अहंकार, जो चीजें हैं वो अर्पित कीजिए और अपने मन को खाली करके उसमें शिव के भाव को खुद में भरिए, दूसरों के मन में भी शिव भाव को भरिए। हमारा आना यहाँ आपसे मिलना, ये महादेव की ऐसी दया को ऐसी करुणा बरसे कि आपके घर घर में शिव का सुख, शिव का रूप उतरे, दुनिया आपकी सीता को देखकर शिव को प्रणाम करे, यही कामना है, यही इच्छा है। और हमारा आना सफल होगा अगर हमारे द्वारा बात की वजह से आपका मन थोड़ा भी महादेव की तरफ चल सकेगा। तो हम अब विदा लेते हैं, जीवन रहा फिर मिलेंगे, न रहा तब भी मिलेंगे, क्योंकि शिव की सिर्फ यही दुनिया नहीं है, शिव की वो भी दुनिया है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम वहां भी मिलेंगे। यहाँ भी मिलते हैं, वहां भी मिलेंगे। सारी दुनिया तो महादेव की ही है, लेकिन महादेव की तरफ चलने का प्रयास जरूर करिएगा। सब कुछ छूट जाए लेकिन स्व ना छूटे, इसकी कोशिश करिएगा।